कौन से देवता है? ये गणपति नारायण, गणपति सॉरी। और बताइए कुछ। ये इनका नाम गणपति इसलिए है क्योंकि ये गढ़ के पति, मतलब गढ़ पता आपको, पति मतलब महाराज, तो ये गणपति नारायण का स्वरूप, तो गणपति नारायण। इनका वाक्य नरोल में शांत स्वभाव के और बहुत अच्छे। ये कौन से देवता है? ये नाग नारायण जी। कहाँ के देवता है? ये इनका वाक्य मेहा में है। और ये नाग जी है, ये क्या बोलते हैं, पुत्र है ना, इनके अच्छे दोस्त नाग धूमन और बाबा वीरनाथ है। और इनके पिता श्री शेषनाग जी है, नाग धूमन के पिता भी श्री शेषनाग जी है और बाबा वीरनाथ के भी श्री शेषनाग जी है वैसे। और जब ये उग्रता में आते तो बहुत ज़्यादा हिलते हैं, बहुत ही हिलते हैं कि बंदे भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इतना ही मैं बताना चाहूँगा, धन्यवाद। बताइए। ये देवता नाग धूमल जी है, इनका वाक्य हलान दो में, दो हलान है, हलान एक और ये हलान दो से। ये वासुकी पुत्र है, इनके सबसे अच्छे दोस्त नाग नारायण जी जो मेहा से हैं और बाबा वीरनाथ। और ये बहुत उग्र स्वभाव के हैं, गिरते बहुत ज़्यादा है, कुछ तो ऐसे भी होते हैं गिरा ही देते हैं, तो किडनी से तो ऐसे संभाला ही नहीं जाता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। ये कौन से देवता है? ये बिजली महादेव जी, ये बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे, उनको दुपट्टे लगते हैं बहुत अच्छे सुंदर जैसे, और बहुत मतलब ये रघुनाथ जी के गुरु हैं, और ये गुरु है और राम जी इनके शिष्य हैं। जब पहला दिन आता है तो एक पहले दिन मतलब 24 को दुशहरा था, तो 23 को ये आ गए थे क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो दुशहरा इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। और आपको यहाँ रात को आना चाहिए, रात को इनकी पूजा, और लेडीज़ इनके लिए लोरी गाते हैं, इतना सुंदर सुंदर गाने, इनका बाजा बहुत अच्छा बजता है और बहुत बहुत सुंदर इनके कपड़े, इनको ऐसे ढका जाता है आराम से। और ये इनका आना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब श्री राम जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कौन से देवता है? ये गणपति महाराज जी हैं, और क्या बोलते हैं, ये बिजली महादेव के पुत्र हैं। इनका भी दुशहरे में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिता और पुत्र नहीं होंगे तो दुशहरा कैसे होगा। ये भी अपनी बहुत अच्छी खूबियाँ निभाते हैं दुशहरे में, ये कई देवताओं से मिलने जाते हैं, अपने भाई कार्तिकेय से और माँ से और पिता से भी। माँ इनकी पार्वती जी, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, और बिजली महादेव जी जो इनके साइड में ही बैठे हैं। और बस यही कहना चाहूँगा मैं, धन्यवाद। ये कौन सी माता है? ये माता पार्वती जी है, इनका वाक्य पार्वती वैली चौक में है। ये बिजली महादेव जी की पत्नी यानी कि वाइफ है, और क्या बोलते हैं, इनका गणपति जी इनके पुत्र हैं, और इनका आना भी इस दुशहरे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नहीं आएंगे तो दुशहरा कैसे होगा। आप सभी जानते कि अगर देखते ही नहीं आएंगे तो दुशहरा कैसे होगा। तो और आज इस बार देवता कार्तिकेय भी आए हैं,
और वहाँ बॉय स्कूल के वहाँ बैठे हैं, वो भी राजे हैं। अपनी माता को कल सुबह वो शायद से मिलने आएंगे, हमने पिताजी को भी और अपने भाई को भी। धन्यवाद।